हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस टू स्टडी सर्किल। ऑन दिस डे सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं 23 जुलाई की ऐतिहासिक इवेंट्स को। आज हम मना रहे हैं चंद्रशेखर आजाद साहब की जयंती, जिनका जन्म आज के ही दिन 23 जुलाई 1906 को हुआ था। इनके जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना मैं बताता हूँ आपको। जब इनकी 15 साल की एज थी तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जुड़ गए थे, और जब इनको अरेस्ट किया गया तो इन्होंने अपना नाम डीएम के सामने आजाद बताया। यहाँ से इनकी जो देश प्रेम की भावना, देश के लिए निछावर होने की भावना का पता चलता है। ये 15 साल की एज में ही जानते थे कि इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता का क्या महत्व होता है। इन्होंने HSRA का गठन भी किया 1928 में। हालांकि HSRA के पहले जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम का एक एसोसिएशन था, उससे पहले से जुड़े हुए थे आजाद, बट बहुत सारे क्रांतिकारियों की डेथ होने की वजह से ये तरीके से डेड मोड में चला गया। तो भगत सिंह के और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर इन्होंने इसको फिर से रिवाइव किया और इसका नाम रखा गया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। बट एक बहुत ही बुरा दिन था, हम सब के लिए बहुत बुरा दिन था, जिस दिन आजाद साहब अपने एक साथी सुखदेव राज के साथ आजाद पार्क में बैठ के, हालांकि वो पहले अल्फ्रेड पार्क कहा जाता था, बैठ के गुफ्तगू कर रहे थे। उसी समय पे किसी ने जासूसी कर दी और आजाद साहब को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया, उसके बाद गोलियां चली। बट आजाद साहब ने अपने फ्रेंड को सेफली बाहर निकाल दिया और खुद काफी घायल होने के बावजूद वो आखिरी सांस तक पुलिस से लड़ते रहे। बट जब उनको लगा कि मैं भाग नहीं पाऊंगा यहाँ से, तो उन्होंने आखिरी गोली खुद को मार ली और वहां पे प्राण त्याग दिए। ये थे हमारे प्यारे, हमारे भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। हम लोग बात करते हैं अगले महान व्यक्तित्व के बारे में, जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। इनकी भी आज पुण्य जयंती है। आज के ही दिन 1856 में, 23 जुलाई 1856 में इनका जन्म हुआ था रत्नागिरी महाराष्ट्र में। इनका एक स्लोगन बहुत फेमस है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हालांकि ये स्लोगन उनके जो एसोसिएट थे काका बाप्टिस्टा, और वो होम रूल लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, उन्होंने प्रतिपादित किया था, उसको इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। इनको कई लोगों की तरफ से इनके कंट्रीब्यूशन के लिए टाइटल्स भी दिए गए हैं। जैसे एक बुक लिखी गई थी एक ब्रिटिश ऑथर के द्वारा, सर वैलेंटाइन चिरोल, उन्होंने एक बुक लिखी थी इंडिया अनरेस्ट, और उसका काफी विरोध किया था इन्होंने, इसलिए वैलेंटाइन चिरोल नहीं, इनको फादर ऑफ इंडिया अनरेस्ट का खिताब दिया। लोगों के प्रति बहुत ज्यादा प्रिय थे, इसलिए इनको लोकमान्य भी कहा जाने लगा। महात्मा गांधी ने मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया का खिताब दिया। और इनकी जब जन्म सती थी, कब थी इनकी जन्म सती, 1956 को, 23 जुलाई 1956 को, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको फादर ऑफ इंडिया रिवोल्यूशन कहा। इनके कंट्रीब्यूशंस क्या थे, इन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जिसने बाद में फर्गुसन कॉलेज की भी स्थापना की। ऑल इंडिया होम रूल लीग को इन्होंने एस्टेब्लिश किया था एनी बेसेंट के साथ मिलकर। बाद में इन्होंने खुद की अपनी होम रूल लीग स्टार्ट की थी, जो ऑपरेट करती थी महाराष्ट्र, सेंट्रल प्रोविंसेस, कर्नाटका और बरार रीजन में, और बाकी इंडिया के पार्ट में एनी बेसेंट की लीग काम करती थी। इन्होंने ही जो आज की डेट में हम लोग गणेश उत्सव देखते हैं, पूरे महाराष्ट्र में मनाया जाता है, कई दिन तक चलता है, पब्लिक में चलता है, इन्होंने ही इसको पॉपुलराइज किया था 1894 से, और तब से ये महाराष्ट्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल बना हुआ है। लिटरेचर इन्होंने गीता रहस्य लिखी, इन्होंने कर्म के योग के बारे में डिस्कशन किया अपनी बुक में, दूसरी आर्कटिक होम इन द वेदास लिखी, मतलब यहां से इन्होंने आर्यंस के ओरिजिन को बताया है, वेदास के ओरिजिन को बताया है। इन्होंने 2 वीकलीज भी पब्लिक किए थे, एक मराठी भाषा में केसरी नाम से और एक इंग्लिश में मराठा के नाम से। बट वही बात, वो एक मनहूस दिन आ ही गया, 1 अगस्त 1920 का, जिस दिन हमारे प्यारे बाल गंगाधर तिलक साहब का निधन हो गया। चलो हम लोग अगली न्यूज को कवर करते हैं, अगली इवेंट को कवर करते हैं। इंडिया में पहली बार
कॉमर्शियल रेडियो स्टेशन की ब्रॉडकास्टिंग हुई थी 23 जुलाई 1927 को, और उस रेडियो स्टेशन का नाम था बॉम्बे स्टेशन। एक्चुअली हुआ क्या था कि 23 जुलाई 1927 को एक एग्रीमेंट हुआ था ब्रिटिश रूल के साथ में कि जो प्राइवेट इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है वो केवल दो ही रेडियो स्टेशन चला सकती है। तो सेम डे इन लोगों ने बॉम्बे स्टेशन को ऑपरेट करना शुरू किया, वहां से ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट कर दी, और वो आज का ये दिन था 23 जुलाई 1927 को। हालांकि इसके बाद ये बैंकरप्ट हो गई, इसको लिक्विडेट किया गया, और इसकी 1930 में गवर्नमेंट ने इसको टेक ओवर कर लिया। इसके बाद में इसको इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से जाना गया। 1936 में इसका नाम रख दिया गया ऑल इंडिया रेडियो, जिसको हम आज भी सुनते हैं। ऑल इंडिया रेडियो की पहली महिला न्यूज रीडर थी साइदा बानो, और पहली न्यूज उर्दू में पढ़ी गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन दिस डे सीरीज। प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हम और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बना पाएं। सो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, और अपना फीडबैक हमें जरूर दें, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू।